कानपुर के बाद अब राजस्थान के अजमेर जिले में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश सामने आई। अजमेर में सराधना और बांकड़ ग्राम रेलवे स्टेशन के बीच दो स्थानों पर बदमाशों ने सीमेंट के 70 किलो वजनी ब्लॉक रख दिए। गनीमत रही कि ट्रेन इन्हें तोड़ते हुए आगे निकल गए और कोई हादसा नहीं हुआ। बता दें कि राजस्थान में ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश तीसरी बार अंजाम दी गई है। जानकारी के मुताबिक मामला रविवार रात का है, जब फुलेरा से अहमदाबाद मार्ग मालगाड़ी फुलेरा से अहमदाबाद जा रही थी। इस मामले में मांगलिया वास थाना पुलिस में रिपोर्ट दी गई, जिस पर पुलिस जांच छूट गई है। रिपोर्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन कर्मचारी रवि बुंदेला और विश्वजीत दास ने दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार 8 सितंबर की रात तकरीबन 10:30 बजे के करीब सूचना मिली कि ट्रैक पर सीमेंट का ब्लॉक रखा हुआ है। मौके पर पहुंचे तो पाया कि वह टूटकर गिरा हुआ है। यह 1 किलोमीटर आगे और एक ब्लॉक टूटकर साइड में रखा हुआ है। दोनों ब्लॉक अलग अलग जगहों पर रखे हुए थे और इसके बाद DFCC और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि RPF मिलकर सराधना से बांगड़ गांव पहुंचे और स्टेशन तक पूरा गए और पूरी स्थिति का मुआयना किया, जहां पर स्थिति सामान्य मिली है। जानकारी के मुताबिक रविवार की रात 10:30 बजे के करीब बांगड़ ग्राम स्टेशन अधीक्षक ने मामले की सूचना दी। इसके बाद ट्रैक जांचा गया। 1 किलोमीटर के दायरे में आमने सामने की लाइन में दो जगहों पर ब्लॉक पाए गए, जो इंजन के टकराने से टूट गया। सराधना से बांगड़ ग्राम तरफ देखा जा रहा था कि स्टाफ ने पेट्रोलिंग और ब्लॉक टकराने के अलावा कुछ सामान्य स्थितियां भी देखी गई। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।